इस दुनिया में हर व्यक्ति धनवान और सुखी बनना चाहता है, लेकिन वास्तव में इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी और धनवान है कौन? निर्धन कहता है कि धनवान सबसे ज्यादा सुखी होता है। धनवान कहता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी एक राजा होता है। एक राजा कहता है कि मुझ पे तो कई लोगों का दबाव है, इसलिए मेरे हिसाब से इस दुनिया में चक्रवर्ती राजा ही सबसे ज्यादा सुखी और संपन्न होता है। लेकिन एक चक्रवर्ती राजा भी सोचता है कि मुझसे ज्यादा सुखी तो देवों के राजा राजा इंद्र हैं। लेकिन इंद्र को लगता है कि उनसे ज्यादा सुखी तो इस दुनिया में त्रिलोकाधिपति भगवान श्री विष्णु हैं। चाहे वो राम अवतार में हो या कृष्ण अवतार में, सबसे ज्यादा सुख और आनंद उन्हें ही प्राप्त हुआ है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई सुखी है तो वो है संत। लेकिन संत को क्या लगता है कि इस दुनिया में सुखी कौन है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। संत के हिसाब से इस दुनिया में संतोष में रहने वाला व्यक्ति ही सबसे ज्यादा सुखी होता है। कहा जाता है ना कि संतोषम परम सुखम। जो व्यक्ति दुख सुख थोड़ा ज्यादा कम या बहुत अधिक में संतोष करता है, वही व्यक्ति इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी होता है। क्योंकि जिसके पास संतोष नहीं है, जिसके पास संतुष्टि नहीं है, वो इस दुनिया में सदैव ही दुखी रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो ऐश्वर्यवान हो, चाहे वो वैभववान हो, अगर उसके अंदर संतोष नहीं तो फिर उससे ज्यादा इस दुनिया में दुखी इंसान और कोई नहीं। इसलिए ईश्वर ने जितना हमें जो कुछ दिया है उसे अपने परिवार और समाज के साथ प्रसन्नता के साथ रहते हुए उसका आनंद लेना और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको जो दिया है वो आपके लिए पूर्ण है, संपन्न है।